बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद नाज़रीन, आपको मेहमान सईद करवानी है आपको लाइव टी वी डॉट टी वी की रमज़ान अशरियात में रमज़ान में मुबारक खुश आमदीद कहते हैं। अभी आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मूवी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप अपने फीडबैक से हम मुतला फरमाएंगे। और आज का जो लाइव प्रोग्राम है उसमें हमारा जो सेगमेंट है वो है इस्लाम और हम, और उसके अंदर जो आज कल जो पैदल होता था हमने उसमें एक और टॉपिक पे बात की थी और आज हम जो है मसाले रमज़ान के टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं बहुत मशहूर ममनून हूँ कि हमारे दोनों आलिम साहब या तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले हमारे अल्लामा अली नफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुश आमदेद। उनके साथ हैं जनाब मुफ्ती सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुश आमदेद। तो मामा साहब, जैसे हम कल थोड़ा बहुत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मसाइले रोज़े पर डिस्कशन कर रहे थे और आप उस पर तफसीलन बता रहे थे किस चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। तो चले कि मैं आपकी तरफ आऊँ तो मैं थोड़ा मुफ्ती साहब से इस सवाल को भी उस वक्त उनको शायद जवाब देने का मौका नहीं मिला कि लामा साहब ने बताया, तो आपके ख्याल से कि रोज़ा जो है स्पेशली बड़ों को तो बहुत कुछ मालूम होता है लेकिन बच्चे आमतौर पर जो नए रोज़ा रखते हैं, जो रोज़े काबिल होते हैं, कुछ चीज़ों को होता है जो बड़ों का फर्ज होता है उनको पता है, तो आप ज़रा बताएं कि आपके लिहाज से किन चीज़ों से इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों को रोज़ा तोड़ सकता है या मकरूह हो सकता है। रोज़े में ये है कि टूथपेस्ट करना करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो उसके जो असरात होते हैं, उसका जो जायका होता है वो हलक में चला जाता है, तो इससे रोज़े की हालत में तो टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए। बेहतर ये कि सहरी के वक्त टूथपेस्ट कर लें ताकि बकिया दिन जो है वो दांत साफ रहे। रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है टूथपेस्ट करने से? ओके। और इसी तरह ऐसा मंजन इस्तेमाल करना जिसका जायका हलक में चला जाए उससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। मिसवाक रोज़े में इस्तेमाल की जा सकती है और उसमें भी ये है कि मिसवाक ऐसी ना हो कि जिसके रेशे मुंह में चले जाएं और जिसका जायका हलक में चला जाए तो उसकी वजह से भी रोज़ा मकरूह हो जाए। और ये है कि वज़ू करते हैं तो वज़ू करने में मुंह भर कर कुल्ली ना की जाए, यानी वज़ू के दौरान अगर इतने मुंह भर के कुल्ली कर रहे हैं जिसमें अंदेशा है पानी हलक में चला जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम आएगी। और मुँह भर के कुल्ली करना ये रोज़े में मकरूह है, मुँह भर के कुल्ली करने से रोज़े में परहेज करना चाहिए। इसी तरह ऐसी कोई खुश्क चीज़ मुँह में रख लेना और उसको चबाते रहना जिसका कोई जायका नहीं है और जिसका असर जो है वो हलक में भी नहीं होगा, पेट में भी नहीं होगा, उसका भी मुँह में रख लेना, ये भी मकरूह है। और यह है कि कोई चीज़ चखना और फौरन चक्कर जो है वो खवातीन अगर खाना रफ्तार बनाते हुए नमक चखना चाहें तो अगर पहले तो यह है कि कम खाने में नमक डालें, क्योंकि अगर कम नमक डालेंगे तो कम का इलाज है, बाद में उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये एहतियात रखनी चाहिए। और अगर ज़्यादा डाल दिया है तो उसमें भी बेहतर यह है कि ना चखें, लेकिन अगर चखेंगे तो फिर उसकी यानी कि कराहत उसके अंदर भी है, यानी कि बेहतर है कि ना चखा जाए। और इसमें सबसे खवातीन को इज्तनाब करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए और बेहतर ये कि कम नमक डालें ताकि अगर बाद में उसकी इसलाह करनी पड़े बाद में खाने की तो उसमें मजीद नमक डाला जा सके, खाना ख़राब नहीं हो। ये अल्लामा साहब इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें इतना मालूम होना चाहिए इससे ताल्लुक़ के रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है या किन चीज़ों से मकरूह होता है। इससे कबल ये एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ रोज़े ऐसे हैं जो वाजिब, कुछ रोज़े ऐसे हैं जो सुन्नती हैं या नफली रोज़े कहलाते हैं। वाजिब रोज़ों में कौन से रोज़े आते हैं? वो उलमा ने कहा है कि माह रमज़ान के जो रोज़े हैं वो वाजिब, दूसरे माह रमज़ान के कज़ा रोज़े वो भी वाजिब, यानी अगर किसी शख्स ने माह रमज़ान के अंदर रोज़े नहीं रखे, एक नहीं रखा या पांच नहीं रखे या पूरे रमज़ान नहीं रोज़े रखे तो वो पूरे के पूरे रमज़ान के रोज़े
कजा हो गए और वो बाद में उसको रखने पड़ेंगे, वाजिब क्योंकि वाजिब है उसको। तीसरी बात ये है कि कोई चीज़ हम नज़र मांगते हैं, अहद करते हैं, नज़र और अहद के भी मांगने पर भी रोज़ा वाजिब हो जाए। चौथी बात ये, कोई कसम खाते हैं, कसम खाने पर भी रोज़ा वाजिब हो जाए। इसी तरीके से नफली रोज़े, सुन्नती रोज़े, सुन्नती रोज़ों में तो बहुत सारी अकसाम आ जाती हैं। पहले तो ये रजब है, शाबान है, इनके पूरे महीने के रोज़े जो हैं सुन्नती रखना चाहिए, बहुत सवाब है। लेकिन तीन रोज़ों की बड़ी अहमियत बतलाई है, 13 तारीख हर महीने की, 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा, ये बड़ी अहमियत है। जुमेरात है, जुमे का रोज़ा, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर रजब के रोज़ों को देखें, रजब के 13, रजब 14, रजब और 15 रजब, इन तीनों रोज़ों को अय्यामुल 20 के नाम से पुकारा जाता है। 20 कहते हैं सफ़ेद और नूरानी, यानी नूरानी दिन, ये तीन दिन जो है बहुत नूरानी हैं, मुनव्वर हैं, इसमें अगर रोज़े रखें तो बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से 27 रजब बेसत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, और शब मेराज भी है इसका रोज़ा। यानी इस रोज़े 27 रोज़े की फजीलत ये है कि जिसने इस दिन रोज़ा रखा गोया उसने 60 बरस के रोज़ों का सवाब हासिल किया। शब मेराज का रोज़ा और शब मेराज का फजीलत बताई, तो ये फजीलतें अपने मकाम पे। अब देखना ये है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, बातिल हो जाता है। तो वो वैसे तो तकरीबन 8-9 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि रोज़े की हालत में जानबूझकर खाना और पीना, चाहे इसका ज़रा सा पानी का खतरा ही ना हो या खाने का ज़रा सा पेशा ही क्यों, वो हल्क में अगर उतार लिया तो रोज़ा बातिल हो गया, टूट जाएगा। दूसरा है रोज़े की हालत में क्या कहना चाहिए, गुरबत करते हैं तो उससे परहेज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि रोज़े की हालत में खुदावंद आलम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन के बारे में किसी किस्म की झूठ रिवायत न बयान की जाए, उनके बारे में कोई, उन पर कोई बोहतान, अल्लाह पर कोई, अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधना, रसूल अल्लाह पर, आइम मासूमीन पर, इससे रोज़ा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। चौथी ये है कि अजान सुबह तक इंसान है नजिस हालत में न रहे, हालत में जा सकूँ, रोज़ा जो बातिल हो जाएगा। पांचवी ये है कि पूरे सर को पानी में एकदम डुबो ले, पूरे सर को पानी में डुबो देने से रोज़ा बातिल हो जाए। और फिर छठी बात यह है गुबारे गलीज को हल्क तक पहुँचाना, गलीज गुबार है, वो गुबार जो है चाहे हलाल चीज़ का गुबार या चाहे हराम चीज़ का, खाने पीने चीज़ का भी गुबार हो, जैसे आटा है, आटे की धूल उड़ रही है उसमें इंसान वहाँ खड़ा हुआ करीब में, तो उस गुबारे आटे के गुबार से परहेज करना चाहिए लोग। इसी तरीके से धुएं को से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मजबूरी में वो माफ़ी है लेकिन जानबूझकर
قربت نہ کرنے چاہیے، دھوئیں کے قریب نہ جائے، غبار کے قریب نہ جائے، یہ ان تمام چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان روزوں کی قضا بھی ہے، کفارہ. مفتی شاہ صاحب، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میری آبزرویشن یہ کہ جب اذان فجر بلند ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کے فجر کی اذانیں بھی ختم ہوئی تو آپ سحری کرتے رہے، تو اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ نہیں، بالکل یہ ہے کہ اذان فجر سے پہلے پہلے سحری جو ہے وہ رک دینی چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے، ہاں 1 منٹ پہلے بھی. ایک یعنی کہ اصل تو یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت سے پہلے پہلے کھانے سے رک جائے، وضو کر کے تیار رہے، وہاں سے یہ تیار ہو جائے. اور سحری کا وقت جب ختم ہو گیا تو اس وقت جیسے مثال کے طور پہ جو ہے 4:00 جو ہے 15 منٹ پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 4:12 پہ رک جائیں اور اذان کا انتظار نہیں کریں، بلکہ اذان تو اگر 2 منٹ بعد بھی ہوئی تو اس سے ہم پہلے ہی رک جائیں. یعنی ہم اپنے سحری کو ختم کرنے کے لیے وقت کو معیار بنا لیں، 4:15 پر سحری ختم ہوتی تو 4:15 پہلے پانی بھی پی لیں، جو کھانا ہے کھا لیں، کھانے پینے کی ہر طرح سے ہم فالو ہو جائیں، لازم رکھیں جب نماز کی اذان سے پہلے ہم وضو کر کے تیار رہیں. اور یہ جو ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوئی ہے اس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، یہ غلط ہے. میں نے سوال یہ کیا کہ آپ پر میری آبزرویشن ہے کہ اذان جب بلند ہو جاتی ہے فجر کی تو لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو اذان ختم نہیں ہوتی تو ہم سحری کرتے رہے، اس کے بعد ہم نیت کر لیں. اذان کی آواز اگر اللہ اکبر آئی پہلا، اگر کال فر پہ آ گئی اذان کی آواز کال فر پہ اللہ اکبر کو سن لی تو اسی وقت پہ اگر پانی پی رہا ہے تو جتنا پانی پی چکا باقی رہ گیا تو وہ کلی کر دیں. بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائے، ورنہ روزہ آپ نے سحری کھائی اور اذان کے وقت تک اذان کے چاہے پہلا جملہ ہی کا آپ سحری کر رہے ہیں تو سارا روزہ باطل ہو جائے گا. سو آپ کا روزہ ہی نہیں رہا، سحری بھی کھا لی، نیت بھی کر لی روزے کی، پھر روزہ نہیں رہا. اس وقت میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جیسے لوگ کہنا کہ روزے میں صحیح آتا سر سر سرمایا روزے میں سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب روزہ تو رکھ لیا، اب باہر جائیں گے دنیا سے انٹریکٹ کریں گے، وہ غلطی نہ جب سوتے رہو، اذان کے وقت عصر کے وقت زور اٹھے نماز پڑھی پھر سو گئے، پھر اٹھے پھر سو گئے، ایسے روزہ گزار رہے تھے ایسے. اس کے بعد بتانے کا کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر رہے لوگوں سے، ہم جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہے تو شاید ہم سے گناہ کم. بعض جو ہے وہ روزے کو آسان بنانے کے لیے گزارنے کے لیے کہتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں. تو ایک جو نارملی سونا ہوتا ہے عام روز مرہ کا جو 8 گھنٹے کی نیند ہے اس سونے کو عبادت کہا گیا ہے. اور ایک روزے دار جو ہے وہ صبح کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہے وہ ہے، باقی تو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. رمضان کا مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اور رمضان کو قرآن پاک کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اور ظاہر ایک آدمی بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا یا ذکر میں ذکر کرے گا تو اس میں تھوڑی بہت تکلیف آئے گی، اس کو برداشت کرنا چاہیے. روزہ رکھ لیا ہم نے، سحری ہوگی، اب لوگ سحری کے بعد روزہ رکھ کے نماز پڑھے فوراً عام طور پر دیکھا لکس ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تدبیر صبح تک اس کے لیے مطلب تسبیح ہمارے طرح یا فوراً سو جانا چاہیے کہ بھائی جیسے کہ ہم کوئی ہم پہ الارم ڈال دیا گیا؟ نہیں، وہ غلط ہے. شریعت میں اس کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ یہ خواہ کی آسانی ہے. ادھر آپ نے روزہ رکھا، نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد آپ تلاوت قرآن کریں. حکم یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے تک مصروف رہیں تو بہت زیادہ فضیلت ہے. تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، استغفار ہے، درس قرآن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے
दिलों में तकवा पैदा होता है, वो आप चीजें करें और रोजे को बोझ ना समझें। जो लोग रोजे को बोझ समझ के और कराहत के साथ रोजा रखते हैं तो उस रोजा खुश हो गया, खुश दिली से रोजा रखते हैं। रोजे को कभी बोझ समझ के रोजा ना रखो, रोजे को ये समझ लो ये जो हमने अल्लाह ने हम पर फर्ज रोजा किया है ये हमारी फलाह व बहबूद के लिए, हमारी सेहत और सलामती के लिए है। ये रोजे से हमें वो फायदे हासिल होते हैं जिसका हमारे जहनों में तसव्वुर तक है। रोजा एक नेमत खुदावंदी है, अतिया परवरदिगार है, इसकी जितनी भी कदर की जाए उतनी कम है। लिहाजा और फिर रोजे में दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं, जायज काम, हराम काम नहीं। जो आप अपनी अपने कारोबार पर जा रहे हैं, अपनी सर्विस पर जा रहे हैं, आप वो जिस तरीके से नॉर्मल आम बगैर रमजान के आप ड्यूटी जाते थे वैसे रोजे में आप जाएं, बल्कि जाएंगे उसमें आप और ड्यूटी शनाज बने, ड्यूटीफुल बने, ईमानदारी के साथ फराइज मनसबी को अदा करें। अपने जो आपको वो उन्होंने कंपनी ने या सर्विस देने वाले ने आपको जिस मकसद के लिए रखा है, ईमानदारी के साथ आप अमानतदारी के साथ उस फ़राइज़ को अंजाम दें, और रोज़ा आपको कुछ कहेगा नहीं, रोज़ा आपको गले लगाएगा, खुश होगा रोज़ा, रोज़े की कैफियत यह होगी कि रोज़ा खुद दुआएं देगा इस काम के करने वाले को, तूने मेरे तूने मेरा एहतराम किया, अल्लाह तुझे इसकी जजा देगा, और खुद अल्लाह इसकी जजा देता है। मेरे सवाल है कि जैसे रोजा रख लिया उसके बाद आपने अब आपके इम्तहान शुरू, आप घर से निकले, फिर उस गांव में भी आपका अपना प्रोफेशन है, तो आप नहीं समझते जब आदमी फिर बाहर निकलेगा डायरेक्ट चलेगा सलाम नाम, अब उसका असर इम्तहान शुरू, अब उसके पॉइंट शुरू हैं कि उसने कितने नंबर हासिल किए, कितनी नेकियाँ की हैं, कितनी बुराई से बचा। अब हर इंसान का प्रोफेशन है, वकील हजरात में किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, उनका एक प्रोफेशन है। अब रोजे के सर में उन्हें अदालत में जाना है, अपने क्लाइंट को डिफेंड भी करना है, झूठ भी बोलना है, तो वो किस तरह अपने आपको दूसरे हर वैसे उनके पॉइंट नहीं कर रहा, और भी दूसरे प्रोफेशन आदमी हर प्रोफेशन में झूठ असर हो सकता है। एक दुकानदार है वो झूठ बोल के अपनी चीज बेच रहा है, एक ये तो ये सब चीजें किस तरह हमें कंट्रोल करनी चाहिए। क्या कहते हैं, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, और एक ये गुनाह जो है झूठ का, इसमें और ज्यादा जो है वो शिद्दत पैदा हो जाएगी जब रोजा रखकर झूठ बोला जाए। और रोजे में भी जैसे अभी आपने कहा था रोजा किन बातों से मकरूह हो जाता है, तो झूठ बोलने से, गइबत करने से और गाली गलौज करने से और गैर अखलाकी और गैर शरई अफाल का इंतकाब करने की वजह से रोजा मकरूह हो जाएगा। जैसे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन सौइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे उनको रोजे के समारात में बजुज प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता, यानी भूखे प्यासे तो वो रह लेते सुबह से शाम तक लेकिन गुनाहों से नहीं बचते। और रोजा अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है कि आदमी इस रोजे को रखकर गुनाहों से बचे और गुनाहों से बचने की जो है वो रोजे में मशक कर ले, ताकि बकिया महीनों में भी गुनाहों से बचना आसान हो जाए। जब आदमी रोजा रख के ही गुनाह करेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे रोजे का कोई सवाब नहीं, बस एक जिम्मे से जो है वो फर्ज अदा हो जाएगा। जब आजकल के हमारा जैसा माशरा है, माहौल है, ये रोजा जब रखा है तो आँख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, तो हम उसको कितना पूरा होता है आपके वही सर माशरे में आप लोग नजर आते हैं। ये रोजे की शराइत जो हैं जो बड़ी कड़ी शराइत हैं, लेकिन उसके उस पर अमल करें तो वो भी थोड़ा दुशवार तो है, लेकिन अमल करने के बाद जो उसको लुत्फ और रायता और मुसरत हासिल होती है वो रोज़ेदारी जानता है। उसको आदाब रोज़ा जो है, जैसे आँख का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, आदाब जवारे का रोज़ा है, यानी क्या है ये सारी बातें। और कभी मुफ्ती साहब ने भी आपके सामने बयान किया कि गीबत करना जो है बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना जो है गुनाह अज़ीम है। अब अगर रोज़ादार इन चीज़ों से अवॉइड करे तो फिर यकीनन उसको फ़ायदा होगा, उसके समरात उसको हासिल होंगे। अब अगर
रोजेदार वैसे ही भूखा प्यासा रह ले तो उस रोजे को उसको कोई अदरा सवाब नहीं। एक छोटी सी एक हदीस मिलती है मुख्तसर सी, उसके अंदर वाकिफ पोशीदा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह एक औरत है जो अपने पड़ोसी को बुरा भला कहती है, गालियां देती है और रोज़ा भी रखती है, रोज़े की हालत में वो ऐसा करती है। आपने कहा बुलाओ उस खातून को, वो खातून आई। आपने कहा तुम रोज़े की हालत में पड़ोसी को गालियां देती हो, मैं बुरा भला कहती हूँ कि हाँ मैं कहती हूँ इसलिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तो फिर ऐसा है, सहाबा किराम से कहा इसके लिए खाना लाओ, खाना लो इसे पानी को खाओ। कहने लगी या रसूलल्लाह ये तो मैं रोज़े से हूँ कैसे खा। आपने कहा वो कैसा तुमने ये रोज़ा रखा कि रोज़ा भी रख रही हो उसी ज़बान से तुम गालियाँ भी दे रही हो, पड़ोसी को अजियत दे रही हो, अल्लाह को ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी बताया गया तमाम चीज़ों की एहतियात लाते हैं, रोज़े के आदाब और शराय से इंसान जब वाकिफ हो गया तो उस पर प्रैक्टिकली अमल करे तो यकीन उसको दो चंद फायदा। सर रोज़े के जैसे मुल्क बड़ा अहतमाम होता है हमारे यहाँ, शहरी का भी अहतमाम होता है, रोज़े का भी अहतमाम होता है, तो अल्लाह ताला ने जिनते दी हम उसके तमाम से हम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि माइंडसेट में अपने पड़ोस में अपने आस पास हम लोगों का ख्याल रखते हैं कि रोज़ा हम तो रख रहे हैं कि अगले ने भी सहरी की है नहीं की है, अफ्तारी की है नहीं की है, उसके मुताबिक हमारे हमें क्या बताया कि किस तरह उसको करें। अब वो लिबास जो है वो भी एक बहुत अहम ही है, रोज़ा तो आपने अपने इंडिविजुअल रख लिया, अपने तौर पर माशरे में हम क्या पैगाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराएगा अल्लाह ताला उस रोज़ेदार के सवाब की माने रोज़ा इफ्तार कराने वाले को सवाब अदा फरमाएगा और वो जो रोज़ेदार है उसके सवाब में से कुछ सवाब कम नहीं होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हम में से हर शख्स तो इतनी इस्तेदाद नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सवाब तो अल्लाह ताला को एक खजूर दे खिला दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे इससे भी मरहमत फरमा देते हैं। और यह है कि हदीस में आया कि रमज़ान के महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और इस जहाँ जैसे हदीस में आया माँ युहिब्बुली नफ्सी ही युहिब्बुली अखी, जो मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। हम ये चाहते हैं कि रोज़े हमें इफ्तारी अच्छे से अच्छी मिले तो हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और हमारे मोहल्ले में जो गुराबा हैं और जो ऐसे तंगदस्त लोग हैं जो जिनके लिए इफ्तारी में अच्छे इंतज़ाम करना मुश्किल है उनका ख्याल रखें। ये हम एक बहैसियत मोमिन होने की हमारे ऊपर लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के हुकूम की इतनी ताकीद करते रहे मुझे ये अंदेशा होने लगा कि शायद पड़ोसियों को मीरास में भी हिस्सा देना पड़ेगा, इतनी पड़ोसियों की हुकूम की ताकीद कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ाओं से महफूज ना रहे वो हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। और वो आदमी भी मोमिन उस बारे में भी कहा कि खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे ये आदमी भी मोमिन नहीं, यानी इसके ईमान में जो है वो कमी है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में आता है एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के घर में एक बकरे की सिली आई, कोई लेकर आया बकरे की सिली हदीये में कि ये बकरे की सिली ले। उन्होंने बराबर वाले घर में कहा हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए है, आप बराबर वाले घर में देंगे। वो बराबर वाले घर में गए उन्होंने तीसरे घर का कहा, तीसरे घर में गए उन्होंने चौथे घर का कहा,
चौथे घर में गए, उन्होंने पांचवें घर का कहा। इस तरह सात चक्कर काट कर, सात घरों के चक्कर काट कर वो बकरी की सीढ़ी दोबारा उस पहले घर के में आ गई। तो ये सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ईसार का जज्बा था। एक सहाबी गज़वा या मौके पे अपने चचाजाद भाई को पानी पिलाने के लिए गए कि सब जो है वो जख्मों से निढाल हैं और बस अभी दुनिया से रुख्सत होने वाले, वो पानी पिलाने के लिए अपने चचाजाद भाई के पास गए। दूसरे सहाबी जो उन्हीं के करीब शहीद हो रहे थे, उन्होंने भी पानी मांगा तो उन सहाबी ने कहा पहले इन्हें पिला दें। जब उनके पास गए तो उन्होंने तीसरे की आंख की आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा पहले उन्हें पिला दें। जब तीसरे के पास गए तो देखा वो शहीद हो गए। फिर दूसरे के पास आए वो भी शहीद हो गए, पहले के पास आए वो भी शहीद हो गए। कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अंदर ईसार का जज्बा था कि इंतहाई तकलीफ़ की हालत में और दुनिया से रुख्सत होते हुए जख्मों की हालत में भी ईसार को नहीं छोड़ा, बल्कि पहले दूसरे की फिक्र की कि पहले मेरे दूसरे भाई को पिलाना और उससे पहले खुद पानी पीना गवारा नहीं किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि और ख़ास तौर पे रमज़ान में इसका अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में लोग आमतौर पर सभी लोग रोज़ा रखते हैं। रोजे की शराइत इतनी सख्त हैं कि आपको 1% दोगी रखते हैं, तो आज हम 1434 डिग्री में, तो आप क्या समझते हैं कि रोजे की शराइत पे अमल करना, अल्लाह ताला ने जितने हमें तखलीक किया उसने हमें रोजा रखूँ, हमने उनसे ज्यादा जानते हैं तो उस वक्त ज्यादा मुश्किल था इस तरह लोग उस चीज़ों से बचते हैं। आज के जमाने में जब हम बाहर निकलते हैं, हम निकलते हैं, हमारी बहनें निकलती हैं या कोई जॉब पे जाती हैं, कुछ करती हैं, उनके लिए मुश्किल है या आज के दौर में ज्यादा मुश्किल है या उस दौर में ज्यादा मुश्किल था रोजे के मसाइल के हवाले से? रोजे के मसाइल के हवाले से उस दौर में भी मुश्किलात थी शरायत पर अमल करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ज़माने के नशे व फरात गुजरते जा रहे हैं और ज़माना जो एडवांस होता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली जा रही हैं, मीडिया का दौर है, उसमें ऐसा हुआ कि पहले तो हिजाब का ख्याल रहता था और इसके साथ साथ ये कि लोग जो थे उनके अंदर थोड़ी बहुत रवादारी भी थी, मोहब्बत भी उनके अंदर पाई जाती थी, खलूस भी, बेगरजी भी थी मतलब। लेकिन अब ये है खुदगरजी भी है, लालच भी है, बेहिजाबी भी है, इन तमाम चीज़ों और हम हर वो चीज़ देखने पर मजबूर हो जाते हैं जिसमें हमें लज्जत महसूस होती है। गाना सुन रहे हैं हम बड़े शौक से, फिल्में देख रहे हैं हम बड़े शौक से, उसमें हर किस्म की हम फिल्में देखते हैं और जो इस किस्म की ये चीज़ें होती हैं ये हम रोज़े की हालत में ज़्यादा करते हैं, तो उससे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कर थोड़ी मुश्किलात पेश आएंगी लेकिन अगर हम उसे परहेज़ करें तो यकीनन हम उस पर पहुँच सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने या उसके नबी ने कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं किया हमारे लिए शरीयत के अतबार से, इबादत के लिहाज से, जो हमारे लिए नामुमकिन, हर चीज़ मुमकिन, क्योंकि कुरान का भी फैसला यही है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी बंदे बशर को तकलीफ नहीं देता, इतनी सिर्फ उतनी तकलीफ देता है कि जितनी उसके अंदर बर्दाश्त होती है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस पर वो अमल कर सकता है। तो इंसान, आज का इंसान, आज का मुसलमान, आज के लोग जो दावेदार हैं कि हम बड़े रोज़ेदार हैं, रोज़ा रख के हम झगड़े भी करते हैं, फसाद भी करते हैं, कत्ल गर्क गली का बाजार भी गर्म किए हुए हैं, हर तरह के हम बुरे ऐबों में भी पड़े हैं, इसके बावजूद हम रोज़ेदार हैं। तो अगर ये रोज़ेदार ये समझें, मुसलमानाने आलम समझें, रोज़े की शरायत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उस पर अमल करें, चाहे 2% बातों पर अमल करें, तो यकीनन इस माशरे में इनकलाब भी आएगा और इंसान का जो है वो किरदार भी सही हो जाएगा। मतलब ये सवाल जो मैं अल्लाह सोचती के सवाल आपसे इंसान के अंदर जो गलत यकीन पैदा हो गया है कि मैं झूठ बोलूँगा
तो इससे मेरे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। तो झूठ बोलने से रोजी बढ़ती नहीं है और सच बोलने से रोजी घटती नहीं है। एक आदमी झूठ बोल रहा है और ये समझ रहा है कि मुझे 2 पैसों का फायदा हो जाएगा, ये उसके दिल का गलत यकीन है। उसको चाहिए अपने दिल के यकीन को दुरुस्त करना। दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी आने वाले इंसान की तकदीर लिख दी कि किसको कितनी रोज़ी मिलनी है और किसको कितना नफ़ा होना है, किसको कितना नुकसान होना है, किसको कितनी ज़िंदगी मिलनी है और किसकी मौत जो है वो कब आनी है, सब अल्लाह ताला ने लिख दिया। अब अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी जितनी हमारे मुकद्दर में है लिख दिया। अब हमें ये इख्तियार दे दिया है कि हम उस रोज़ी को चाहें तो हलाल तरीके से हासिल कर लें, चाहें तो हराम तरीके से हासिल कर लें। रोज़ी हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे मुकद्दर में लिखी है। आदमी ये सोचता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा या गोल मोल बातें कर लूँगा और सामने वाले को, अपने ग्राहक को, अपने मुखातब को धोखा दे दूँगा, उससे असल बात को छुपा लूँगा तो जो है मुझे फ़ायदा हो जाएगा। उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसकी रोज़ी में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। और ये तो सोच रहे हैं कि मेरी रोज़ी में इजाफा हो जाएगा, ये इसके दिल का गलत यकीन है। रोज़ी देने वाले तो अल्लाह पाक है ना, तो अल्लाह पाक के जब हम अहकाम की इताअत करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें और हमें बरकतें अता फरमाएगा। अगर हम अपनी दुकान में बैठकर झूठ बोलें, धोखा दें, झूठी कस्में खाएं और फिर भी हम सोचें कि हमारी रिस्क में रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है, तो बिल्कुल इन बातों से, दूसरे मुसलमान को धोखा देने से, उसे अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में खाने से बरकत नहीं होगी, बेबरकती होगी और जो है वो अल्लाह की रहमत से महरूमी होगी। और एक आदमी अगर रोज़े की हालत में ये सारी बातें करता है तो उसका रोज़ा भी जो है वो सिर्फ भूखा प्यासा रहने वाला रोज़ा हो जाएगा और वो जो रोज़े की बरकत हैं, रोज़े के जो अनवारात हैं, वो उसको हासिल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि हम रोज़ा रख के खुद ही अपने जो समरात हैं, अपने जो पॉइंट खुद ही हम नेगेटिव करते रहते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि हम वो जो प्रोटोकॉल अल्लाह ने बताया हम उस पर नहीं चलते, हम अपने लिए आसानियाँ तलाश करते हैं। जैसे अभी अल्लामा नकवी साहब फरमा रहे थे कि लोग मुसीबी संतों की कानों को भरी रखती है, कुरान तो ये कहता है कि दिलों का चैन जो है जिक्र इलाही है, तो रूह की गजा मुसीबी तो नहीं होती। तो लोग ये इस पर ये कहते हैं कि जनाब जनाब दाऊद अलैहिस्सलामी मुसीबी है, तो उसके बारे में अल्लामा नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उनकी लोग ये लॉजिक पेश करते हैं, मुसीबी को जो है इसे सुकून मिलता है, ये है वो है। हालांकि कुरान तो कहता है कि जिक्र इलाही दिलों का चैन जो है, ये मौसीकी जो है इसके बारे में तो ये शरीयत ने इसको बहुत गलत करार दिया, नाजायज करार दिया। इस मतलब मौसीकी जो ये जिस तसव्वुर में आ गया है लोगों के, ये रूह की गिज़ा है, ये रूह की गिज़ा नहीं, ये रूह को तबाह करने वाली शय है। मौसीकी जो है रूह को फना कर देने वाली। हाँ अलबत्ता आप जो हैं अपनी आवाज़ के अंदर, आवाज़ से वो कुदरती आवाज़ जो अल्लाह ने आपको अता किया, उस आवाज़ के ज़रिए आप हमद इलाही करें, नात शरीफ पढ़ें, मनकबत पढ़ें और उन ज़वात मुक़द्दसा की तारीफ़ करें, अल्लाह की हमद व सना करें, पैगम्बर इस्लाम की तारीफ़ व तौसीफ़ करें, तो वो जो चीज़ है बिल्कुल उसके लिए 100% सवाब है। क्योंकि एक हदीस भी है, कौले मासूम है हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक शेर अल्लाह की हमद और सना के लिए पढ़ा और एक शेर में हमारी तारीफ़ की, हम अहले बैत की, रसूल अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ की, गोया उसने एक जन्नत में अपना एक घर तामीर कर दिया। एक शेर पढ़ लेने से जन्नत जैसे आला तरीन अफजल तरीन मकाम में अल्लाह ने उसके लिए एक बेहतरीन घर अता कर दिया। तो ऐसी
चीज़ें जो हैं वो यकीनन इंसान के लिए मशअल हिदायत है, मशअल हिदायत। और ये महसूस नहीं हुई, गाना बजाना हुआ, ये सिर्फ फरेबकारी है, दुनिया धोखा देती। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी अच्छी एक मुख्तसर से लफ्ज़ों में एक बात बतलाई दुनिया के बारे में। आपने इरशाद फरमाया, या दुनिया गुर्रा गैरी, ए दुनिया तू मेरे अलावा किसी गैर को धोखा देना, ये मत समझना कि माज़ाल्लाह अली तेरे झुकाव से करने से अली तेरे फरेब में आ जाएगा। नहीं, या अली हज़रत अली फरमाते हैं, या दुनिया अंते तलक़तों की सलासा, ए दुनिया मैं तुझे तीन तलाक़ें देता हूँ। तो ये दुनिया की मज़म्मत की। अब ये देखिए कुरान शरीफ को उठा के देखिए, दुनिया की बड़ी मज़म्मत है, दुनिया की, दुनिया वालों की जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। और नहजुल बलाग़ा को उठा के देखिए, उसमें भी दुनिया है। कदम कदम पर मौला कायनात ने फरमाया, उसी कुम बे तक़वल्लाह या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मैं तुमसे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ। और इधर कुरान को उठा के देखिए, कुरान ने क्या कहा, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, ये दुनिया क्या सिवाय खेल तमाशे कुछ नहीं। इसमें तो ये है कि इस दुनिया में रहकर सिर्फ इतना कमाओ जो इंसानी जरूरत के लिए काफी, बस आपकी जिंदगी मुनासिब तरीके से कामयाबी की तरफ, ऐशो इशरत की तरफ ना जाओ, माल की तरफ ना देखो के लालची नजरों से, किसी दूसरे को ना देखो के अल्लाह ने या उसे इतना दिया, अल्लाह ने तो दिया लेकिन अल्लाह ने तो हलाल तरीके से काम करने को कहा, लेकिन इंसान जो है नाजायज तरीके से कमाता है उसके लिए अल्लाह ने नहीं कहा, वो तो हराम तरीके से कमा रहे हैं ऐसा भी शिकायत। तो ये सारी बात, इन सारी बातों से परहेज करने का हुक्म दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया वाले फकत इतना समझ लें कि भाई हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहिए, रोज़े की हालत माह सयाम बरकतों का महीना, रहमतों का महीना है, इसमें तो इंसान को वो नेमतें हासिल हो जाती जो ना किसी कानों में सुनी होगी ना आंखों में। एक कयास है, जो आदमी घर से निकलता है उसको ये यकीन नहीं है कि वो वापस भी आएगा या नहीं आएगा, तो माशरे में इतनी ये बेहतरी क्यों है? और दूसरे ये कि ये जो मसाइल हैं रोज़े के, हम आज बैठे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रमजान है, तो सही है, हम एक अब हमारा एक माशरे में ये है कि जनाब जब बारिश होती है तो हम छतरी लेते जाते हैं, उससे पहले हम आराम से बैठे होते हैं। तो हम पहले हम एक एक जब जैसे किसी ने कहा जब मेहमान का इंतजार करता हूँ, जैसे मैं घर में कोई मेहमान आ रहा हूँ तो मेहमान का इंतजार आदमी करता है कि जनाब पहले से चीज़ें जैसे करे, जहाँ उसको बिठाना है, जहाँ उसको करना है फिर करता है। लेकिन हम जब रोज़ा का महीना आ रहा होता है तो हम उस मेहमान का क्या इहतमाम करते हैं, हम उससे पहले चीज़ें अपने वापस में हम लोग घरों में अपने मोहल्लों में अपने वहाँ इस किस्म के हमारे जो मैक्राम है वैसे कोई शूज भी डिस्कस क्यों नहीं करते, ताकि आवाम को पहले से तो तरबियत दी जाए कि जनाब ये जब सर पे पड़ जाए जब ही हम लोग ये काम करें और उसके बाद भूल जाए तो अगले साल देखेंगे। बारे में जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो ये है कि बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो इस महीने का भरपूर इस्तकबाल करते हैं और इसकी पहले से तैयारी करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, और इन अय्याम को रमज़ान मुबारक के अय्याम को गनीमत समझते हैं और उसमें अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नेक अमाल में लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये सारी बातें नहीं करते, तो यानी कि बिल्कुल यकसा सूरत हाल नहीं है कि सारे ही लोग बिल्कुल गाफिल हैं और सारे ही लोग जो है वो बिल्कुल जो है ना वो उनको रोज़ा बोझ महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं। कुछ अल्लाह के नेक लोग भी हैं तो दुनिया चल रही है, हाँ है और कुछ ऐसे भी हैं यानी कि फर्स्ट क्लास तबका भी है, सेकंड क्लास भी है, थर्ड क्लास भी है, तीनों दर्जे के लोग हैं। ये जो इसके बारे में रमज़ान के महीने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलुहु रहमा औसतुहु मग़फिरा व आखिरुहु इत्कु मिनन्नार,
रमज़ान के महीने का जो पहला अशरा है वो अल्लाह की रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है, तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम की आग से आज़ादी। तो इसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं ये जो तीन तबके और ये जो तीन सूरतें हालतें बयान फरमाई हैं रमज़ान के महीने की, ये भी लोगों की तीन हालतों की वजह से, कि लोग भी तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सारा साल अल्लाह ताला की इबादत करने वाले लोग हैं और माह रमज़ान की कदर करने वाले हैं, उसका इस्तकबाल करने वाले हैं, उसका इंतज़ार करने वाले हैं, उनके लिए रमज़ान का पहला अशरा जो है वो अल्लाह की रहमत है। और जो लोग ऐसे यानी इन सारी बातों का अहतमाम नहीं करते उनके उनके लिए दूसरा अशरा है कि वो पहले अशरे में कुछ इबादतें कर लें और कुछ अल्लाह ताला की जो कुरान पाक की तिलावत कर लें, अल्लाह ताला के हुजूर में कुछ सजदे कर लें, कुछ जिक्र कर लें, कुछ नेक अमल कर लें, फिर उनके लिए दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत का है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अशरे में भी तैयारी नहीं की, दूसरे अशरे में भी तैयारी नहीं की, तो पहला और दूसरा अशरा कुछ नेक अमल कर लें उनके लिए तीसरा अशरा मगफिरत का है, जहन्नम की आग से जो है वो आज़ादी का है। हदीस में आता है कि काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मिंबर पर खुतबा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जब मिंबर के पहले दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और खुतबे से फारिग होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज हमने आपसे एक अजीब बात देखी कि आपने जब मेंबर के पहले दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, जब दूसरे पे और तीसरे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, ये आमीन आपने किस वजह से फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था उस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए और आप हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और फिर भी उसकी मगफिरत ना हो। तो मैंने कहा आमीन, जब मैंने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और फिर भी वो दुरूद ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन, और जब मैंने तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना करे। तो मैंने फरमाया आमीन। अब ये सैयदुल मलाइका की बद्दुआ यानी हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम की बद्दुआ और सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया की आमीन है इन तीनों बद्दुआओं में कि हुजूर फरमाने के हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए कि अल्लाह ताला की जो है उस महीने में रहमतें बरस रही होती हैं, बारिश की तरह बरस रही होती हैं उस पूरे महीने में अल्लाह ताला की रहमतें, फिर भी एक वो कोई आदमी ऐसा हो कि वो नेक अमाल करके जो है वो उसकी मगफरत ना हो और वो अपने लिए जो है वो अल्लाह ताला से बख्शिश ना करवा सके, तो ये बहुत ही बड़ी महरूमी की बात है। अच्छा आपने बताया, जैसे आपने बता रहे थे कि आम आदमी रोज़े के लिए जिससे आप करें इस चीज़ से बचें, ये आम आदमी नहीं मानते, अगर आदमी पूछेगा भी रमज़ान आ रहे हैं क्या तैयारी क्या है क्या मसाइल हैं, तो वो तो बेचारे बोलेगा भाई सबसे पहला उसको खैर पता भी ना हो तो उसने पढ़ा भी ना हो, तो जाहिल और जाहिल वाला जो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला तो मेरी गुर्बत का मसला है, मेरे महंगाई का मसला है, उससे मैं कैसे बचूं, सब ये मसला मुझसे सारे गलत काम करवाता है, इसके बारे में हम क्या करें, उसके लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि ये मसला उससे रिश्वत भी करवा रहा है कि उसके भी घर में बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, उनके लिए भी, वो एक लॉजिक तो किसी ने कहा है ना कि जब आदमी अगर कोई काम करने का इरादा कर ले तो उसके लिए खुद लॉजिक भी खुद ही ले आता है, चाहे वो सही काम करना चाहे बुरा काम करना चाहे, तो उसके मुताबिक आप कहें। देखिए गुर्बत का जहाँ तक ताल्लुक है, महंगाई है, गुर्बत है, अफलास है, वो तो ये इस दुनिया वालों की पैदा करता है, माशाल्लाह अल्लाह का कोई कसूर नहीं,
उसके नबी का नहीं कह रहे अल्लाह नबी का तो नहीं है लेकिन अब जो हमने अपने ऊपर मुसीबत डाल ली हम मुसीबत यूं पड़ गई कि ये दुनिया वालों ने एक ऐसा निजाम बना दिया ऐसा माशरे को पाबंद कर दिया कुछ अपने कानून वो नाजायज कानून या जायज कानून जहाँ कहीं टैक्स है कहीं महंगाई है कहीं कीमतों में इजाफा है तो कहीं अब ये देखें कह दिया कि 10% उसमें CNG में इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया हाँ और जनाब अली फलां जगह इजाफा हो गया तो ये तमाम चीज़ें क्या और महंगाई जो है आसमान से बातें कर दी ये तो सब दुनिया की हुकूमतें हैं दुनिया के अवाम हैं जो बिजनेस मैन हैं सरमायादार तबका है वो ये तमाम काम कर रहा है जबकि अल्लाह ताला ने और अम्बिया मुरसलीन ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके आइमा मासूमीन ने ये हुक्म दिया है कि बंदों के लिए हुकूमत को हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बाईस रहमत बने बाईस जहमत ना बने उनके लिए ऐसे कवानीन बना दे कि उसमें इंसान आसानी के साथ अपने निज़ाम ज़िंदगी को दुरुस्त कर सके घर के हालात को और घर के अंदर जो है उसकी आबो हवा का अहतमाम हो सके उसके बाल बच्चों की तरबियत हो सके तो ये तो चीज़ें अलग हैं इससे ये नहीं कि अगर ये मुसीबतें आ गई तो हम रोज़ा नहीं रखें नमाज नहीं पढ़ें रोज़ा रखेंगे नमाज पढ़ेंगे तो खुद इंसान के अंदर अल्लाह ताला वो सलाहियत और वो कुव्वत अता कर देगा कि इन हवादिसात ज़माने का मुकाबला करेगा उसके अंदर इतनी अल्लाह ताला टॉलरेंस पैदा कर देगा कि रोज़े के अंदर ये एक मौजज़ाती ताकत है रूहानी ताकत है कि वो ठीक है भले महंगाई है और सब कुछ है सब कुछ दुनिया की ये नारंगियाँ हैं और मुसीबतें हैं इसके बावजूद अगर वो नमाज बाकायदगी से पढ़ेगा रोज़ा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके लिए ऐसे ऐसे सामान गैब से फराहम कर देगा ये वो उसके लिए कोई चीज़ जो है जो सख्ती वो आसानी में तब्दील हो जाएगी जैसे कि आज के दिन मीडिया का दौर है जी दुनिया बहुत छोटी हो गई है बहुत इंफॉर्मेशन है बुराई भी जितनी तेज की आ रही है इतनी है इतनी छाई जा रही बुराई जा रही तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में हमारा जो मीडिया है हम भी बैठे हैं किसी जगह पर तो वो मैं किसी को हाईलाइट नहीं करते ना तो कितना अपना किरदार अदा कर रहा है लोगों को एजुकेट करने में कि रमज़ान के सिलसिले में या रमज़ान के मसाइल के सिलसिले में या रोजे के मसाइल के सिलसिले में क्या उनका किरदार है और कितना वो आम आदमी को कितना फायदा अदा कर रहा है कि हमारे मीडिया तो आमतौर पर देखा गया है कि जिसे कहते हैं ना वो नफ्स मसूला का ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो बुराई को इतना घुमा को इतना अच्छा करके दिखाता है पैरेंट में वो भी अच्छी लगने लगती है तो हम अच्छाई को ऐसे करके क्यों दिखाते हैं ये है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से मीडिया का खास तौर पर बहुत अहम किरदार है आज कल में टीवी है हर जगह एक्सेस है अब यह है कि जैसे ये रमज़ान मुबारक की जो खास ट्रांसमिशन होती है वो हर चैनल पे दिखाई जा रही है लोगों को दीनी मालूमात फराहम की जा रही हैं और मुख्तलिफ जैसे QTV है और भी दूसरे जो बेशुमार चैनल हैं PEACE TV है लोगों को दीनी मालूमात फराहम कर रहे हैं तो एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है मीडिया दीनी मालूमात फराहम करने के हवाले से इस हवाले से एक इसलाह की ये भी ज़रूरत है कि जितनी जो है वो जज्बाती अंदाज में बुराई को उछाला जाता है उतने जज्बाती अंदाज में किसी जो है वो अच्छे अमल की जो है वो हौसला अफजाई नहीं होती वो भी होनी चाहिए जैसे एक आदमी ने अगर कोई गलत काम कर दिया और वो पकड़ा गया तो मीडिया जो है वो पुलिस वाले तो उसकी बाद में खबर लेंगे पहले मीडिया वाले उसके जो है ना वो रुसवा करने में अहम किरदार अदा करते हैं और तो उसकी ये है कि उसको बुराइयों को इतना ज़्यादा उछाला ना जाए बुरी बातों की खबर दी जाए लोगों को मुतला किया जाए ताकि लोग उससे बचें लोग इबरत हासिल करें और लोग एक दूसरे को उसके बारे में बता सकें कि भाई इससे बचना चाहिए और उस गुनाह से डरें ये सारी अपनी जगह ठीक है लेकिन
ये है कि बुराइयों को इतना ज़्यादा उछालना और जो अच्छी बातें हैं उनकी जो है उन पर सरसरी हाथ फेर कर गुजर जाना, ये ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं कि मीडिया जो है वो क्योंकि जो चीज़ उनको कैच कर रही है, जो जो चीज़ उनकी रेटिंग है, रेटिंग का बहुत दौर है कि रेटिंग की चीज़ भी है कि वो यार मजे भी प्रोग्राम चल रहा है उसकी रेटिंग पता नहीं क्या होगी, ड्रामों की रेटिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये है कि अब इस बारे में ये है तो क्या लोग पसंद करते हैं, तो भाई रेटिंग जब होगी लोग पसंद करेंगे, हमारा माशरा मतलब बुराई वाला पसंद करता है अभी कहने का कभी है नहीं, ये तो नहीं है बुराई को ज्यादा पसंद, मीडिया जिस चीज को ज्यादा दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, ज्यादा उसको पसंद कर रहे। अच्छा अब एक बाकी ये कि शरी हुदूद में तो क्या कहते हैं उसको तो क्रॉस कर ही चुका है मीडिया, बहरहाल उनसे ये इतनी दरख्वास्त की जाती है कि उसमें आप यानी इतना करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे इंडियन चैनल है उसमें इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं वो एडवांस हो चुके हैं कि अब उसके बारे में बयान करते हुए भी हिजाब होता है। अगर हमारा प्रोग्राम कुछ आप अहादीस और कुरान के हवाले से रमजान के बारे में कुछ आप बताएं, रमज़ान के हवाले से ये है अज़ीज़ान मोहतरम के बात ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक तो रोज़े को फ़र्ज़ करने का हुक्म दिया, दूसरी बात यह है कि रोज़ा जो है उसका वक्त मुकर्रर किया कि कुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यना लकुम खैरुल अबयदु मिनल खैरिल अस्वद सुम मिनल फज्र सुम्मा अतिमु सियाम इला लैल, खाओ और पियो यहाँ तक के रात की स्याह धारी जो है सफ़ेद धारी से अलग होने लगे। ये एक सहरी का वक्त बतलाया कि इस वक्त जो है उस वक्त तक आप खा पी सकते हैं, रात की स्याह धारी पर सफ़ेद धारी नुमाया होने लगे, वो चार सवा चार का जो वक्त बतलाया वो हो जाता। फिर कहा कि सुम्मा सुम्मा अतीमु सियाम इल्लैल, और फिर तुम अपने रोज़े को तमाम कर लो यहाँ तक के इल्लैल आगाज़ शब हो जाए, शाम का वक्त नहीं रात का वक्त हो जाए। अच्छा रात की एक आगाज़ शब की जो एक डेफिनेशन बतलाई है वो मुफस्सिरों ने कुरान ने अजीब बतलाई, फिक्र जाफरी में तो ये बतलाया गया है कि आगाज़ शब का मतलब ये है कि जब सूरज बिल्कुल पर्दाए मगरिब में चला जाए छुप जाए और वहाँ की जो सुर्खी जो है गायब हो जाए और एक स्याही जो है वहाँ से उठती उठती बिल्कुल आपके सर पर आ जाए तो वो आगाज़ शब का जो वक्त कहलाता है। मुफस्सिरीन है कुरान के मुख्तलिफ हवाले जात हैं बहुत सारे, इसमें ये हवाला भी है कि ये है आगाज़ शब, तो वो सही मानो उस वक्त तो होता है कि आपने ये देखा होगा कि रात की जो स्याही जो है वो दिन की शाम पर गालिब आ जाती लेकिन अक्सर वक़्त रोज़ा जो इफ्तार किया जाता है आपने देखा होगा अभी दिन की रोशनी कुछ बाकी होती है थोड़ी सी। भाई आप ले लो आपकी कहीं जाफरी है कभी होती है मुफ्ती साहब आप इसमें क्या कह रहे हैं आपके साथ मुफ्ती अल्लाह साहब की बात को जैसे उन्होंने बताया कि रोज़ा सहरी रोज़ा रखने का वक्त रोज़ा खोलने का वक्त आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करे और सहरी में ताखिर करे, जब तक मेरी उम्मत सहरी में ताखिर करती रहेगी और इफ्तारी में जल्दी करती रहेगी वो उस वक्त तक खैर पर रहेगी। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये नहीं है कि सहरी में इतनी ताखिर करे कि वो सुबह सादिक के अंदर दाखिल हो जाए और
इफ्तारी में इतनी जल्दी करें कि वो वक्त दाखिल होने से पहले इफ्तार कर लें, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि वक्त दाखिल होने के बाद फौरन इफ्तारी कर ली जाए, उस पर वक्त यानी इफ्तार का वक्त दाखिल होने के बाद मजीद ताखिर ना की जाए। और सहरी में ताखिर करती रहेगी, मतलब ये है कि सुबह सादिक से पहले पहले तक सहरी करती रहेगी और सुबह सादिक के फौरन बाद जो है वो स्टॉप कर लेगी और अपनी सहरी। बहुत मशहूर हूँ अल्लामा सैयद अली गनी नकवी साहब का कि वो उसी तरह वो आ जाए हर टाइम पे, और मुफ्ती सैयद साहब का जिन्होंने अपनी मुफीद मालूमात से वो हमारे नाज़रीन को मैंने मुतला किया। लेकिन नाज़रीन आपने अभी हमारा सेगमेंट देखा मसाइल रमज़ान के हवाले से, और अभी थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल फेसबुक पर हमने कम्पटिशन रखा था, एक सवाल अपलोड किया था कि रोज़े किस हिजरी में फ़र्ज हुए थे। बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब दिए और ड्रॉ के जरिए तीन खुश नसीबों के नाम जो मुझे दिए गए वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें हैं कराची से जहरा, ये तो नहीं पता चल फेसबुक से कहाँ से हैं, जहरा नकवी साहिबा हैं, उस वक्त दूसरे साहब हैं फराज हसन साहब, और तीसरे साहब खुश नसीब हैं कासिम हुसैन साहब। मैं इन तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सही जवाब देने पर, और liveshivi.tv की जानिब से इनको जो है इनको बैलेंस जो है वो लोड किया जाएगा, ये मुझे बताया गया है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत ही हजरात इसके साथ ही हम अफ्तार का ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए liveshivi.tv, और अफ्तार के बाद हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।